मौलवी हैं जो कट्टरपंथी को फैला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर तमाम तरह के जिहाद फैला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो समाज को, इस्लाम को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बेशर्मी है, बेहयाई है, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियां फिसलती ऐसी होती फिसल जाती हैं, तो इनका की जरूरत है। और अगर हम इसको बाहर ला रहे हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गंदगी समाज से साफ कर, किसी भी चीज को, बुरी कुप्रथा को बदलने की बात की जा रही है, तो इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। कुप्रथा कहीं भी हो उसको बदला। नाज़नीन जी, एक जो वीडियो है वो काफी समय से, लाइक पिछले 2-3 दिन से वायरल हो रहा है। अजमेर दरगाह के जो खादिमों की संस्था है उसके सचिव हैं सरवर चिश्ती, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां एक ऐसी चीज होती हैं जिसके ऊपर बड़े से बड़ा फिसल जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्वामित्र मेनका को देखकर फिसल गए थे, आसाराम बापू और बड़े बड़े जो जो इस तरह के बाबा पकड़े गए हैं वो लड़कियों के चक्कर में ही फिसले हैं। उन्होंने कहा कि लड़की चीज ही ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। इस बयान की काफी बड़ी निंदा हो रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों या फिर हम उसकी बात करें नेशनल वुमेन कमीशन की, उसकी तरफ से भी इस पर पूरा एक्शन लेने की तैयारी है। अब किस तरह से देख रही हैं इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये एक बेशर्मी है, बेहयाई है, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियां फिसलती ऐसी होती फिसल जाती हैं, तो इनका मर्दों का कोई गुनाह नहीं होता या मर्दों का कोई नज़र का दोष नहीं होता। इस तरह के बयान देते रहते हैं, उनकी जुबान फिसलती रहती है इस तरह के बयान देने के लिए, नज़र के साथ साथ उनकी जुबान ही फिसलती रहती है। तो पहली बात तो लड़कियाँ कोई चीज़ नहीं है, लड़की कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि जो जिसको देख करके जब चाहे तब इस्तेमाल करते हैं और जब मन चाहे तब उठा के फेंक देते हैं। कोई वस्तु नहीं है, इंसान है, और इंसान ऊपर वाले ने दो ही चीज जात बनाई है इंसान की, एक मर्द एक औरत। हर उसमें जानवर हो, इंसान हो, कीड़े हो, मकोड़े, हर जगह पर दो तरह के नर और मादा पाए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। तो बाकी अगर आप इंसान नहीं समझते, चीज समझते हैं, तो ये बहुत ही बेगैरती की बात है कि आप अल्लाह की बनाई हुई चीज, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज को आप सामान वस्तु समझते हैं, उसकी भावनाओं का, उसकी इज्जत का, उसके मन का, उसके इमोशंस का कोई आपको ख्याल नहीं है। आप इस तरह की बातें करके, इस तरह की बयान दे करके तमाम उन लड़कियों का, आधी आबादी को ठेस पहुंचाते हैं जो इस समाज को, इस दुनिया को चला रही है। तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि मैं इस बयान की घोर निंदा करती हूँ कि इसे शर्मनाक बयान के लिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के शर्मनाक बयान देने से पहले ये लोग 10 बार सोचें, 10 बार सोच। जी बिल्कुल, और ये पूरा जो उनका ये प्रकरण है वो अजमेर 92 से जुड़ा है। अजमेर 92 फिल्म आ रही है जो 92 में घटना हुई थी अजमेर में, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का बलात्कार हुआ और उसके बाद बहुत सारी हिंदू लड़कियों ने आत्महत्या भी की, और उसके बाद ये एक लोकल न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को निकाला, उसके बाद ये मामला चर्चा में आया था। इसको लेकर ये बात कही जा रही है, अजमेर 92 की बात करें या 72 फिल्म जो आजकल दोनों ही चर्चा में बनी हुई है, 72 पे सवाल हो या फिर सवाल हो अजमेर 92 पर, यही बोला जा रहा है कि एक मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करने की साजिश है, 2024 की तैयारी है। आप कैसे देखती हैं अजमेर 92 फिल्म की बात हो या 72 हुए? देखिए, जब समाज में कोई गंदगी फैलती है तभी जो है उसको दूर करने का प्रयास होता है। हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, फिर भी अपने ही कपड़े रोज हमको साफ करने पड़ते हैं, अपने ही जूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी चीज है, हमारे विचार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूषित नहीं हो सकते। तो जो जिस तरह से समाज में गंदगी फैली है, तो जिस तरह से दूषित हुआ है समाज, उसकी सोच दूषित हुई है, तो उस पर, उस सच्चाई को बाहर लाने की जरूरत है। और अगर हम उसको बाहर ला रहे हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गंदगी समाज से साफ करने की जरूरत है, आज उसकी जरूरत है। तो किसी इस्लाम को टारगेट करना या मुसलमानों को टारगेट करना की कोई जरूरत नहीं है। ये जो उसमें गंदगी आ गई है, जो उसमें प्रदूषण फैल गया है, दूषण फैल गया है, उसको सफाई की जरूरत है। तो इस तरह की फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए इस तरह की चीजों को पर फिल्में बनना जरूरी है, आईना है। और आज के समय में जिस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके कम्युनिस्टों ने प्रस्तुत किया है, इतिहास को बदलने की कोशिश की है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, सबने
हमारे इतिहास को बदलने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो आज अगर इस तरह की सत्य घटनाओं पर फिल्में बनेंगी तो वो लोगों के सामने, हमारी युवा पीढ़ी के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने एक रिकॉर्ड हो जाएंगी, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी कि इस तरह की फिल्में बनी थी, यानी कि इस तरह की कोई घटना घटी थी, इस तरह की घटना घटी थी इसलिए ये फिल्म बनी, और हमारे समाज में इस तरह की गंदगी भी थी जिस पर फिल्में बनना जरूरी था। अभी देखिए आप, चाहे पिछले समय में बाल विवाह पे रहा हो, चाहे विधवा विवाह पे रहा हो, चाहे विधवाओं की जिंदगी पे रहा हो, तो इस तरह इस पर भी तो फिल्में बनी है और एक बदलाव आया है, एक लोगों के अंदर एक चेंज आया है, समाज में बदलाव आया है, तो इस तरह की फिल्में बनेंगी तो एक चेंज आएगा। क्योंकि 72 हुरे लोगों को, युवाओं को, हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को सपना दिखा करके कि आप अल्लाह के नाम पर, धर्म के नाम पर शहीद हो जाएंगे, इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाएंगे, तो मरने के बाद आपको 72 हुरे मिलेंगी। तो ये जो सपनों की दुनिया लोगों ने दिखाई है, हमारे कट्टरपंथियों ने, हमारे समाज के कट्टरपंथियों ने, मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, तो ये समाज की तस्वीर को बदलने का काम करेगा ये फिल्म। तो बहुत जरूरी है इस तरह की फिल्में बने, और बहुत ही जरूरी है कि लोग इस तरह की फिल्मों के माध्यम से जागरूक हो, इस तरह की फिल्मों को देखने जाएं। आपने कहा कि इस तरह के मुद्दे हैं, उन अगर इन इस तरह के मुद्दों पर फिल्म बनती है तो समाज में काफी बड़े स्तर पर अवेयरनेस का वो काम करती हैं। लेकिन अगर इस तरह के मुद्दों पर फिल्म बनती है तो एक ये भी बड़ा नैरेटिव ये चलाया जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लोग उस पर अक्सर फंसते हुए भी नजर आते हैं। तो जिस अवेयरनेस की हम उम्मीद कर रहे हैं, या 72 हूर जैसे मुद्दे हैं, या आज मैं 92 की बात करें, अगर रेप हुआ है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अपराधी धर्म का लबादा ओढ़कर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनको हमें कंडेम करना पड़ेगा और उस पर खुलकर बात करनी पड़ेगी, चाहे 72 हूर हो या फिर 92 घटना हो। आपको लगता है कि लोग इस पर खुलकर अब इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और उनको समझ में आएगा कि ये धर्म की बात नहीं, ये अपराधों की बात है? चोला ओढ़ करके अपराध धार्मिक बनने से वो बच जाएंगे, इसका मतलब अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे कितना भी का मानने वाला हो। और दूसरी बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एक इस्लाम को टारगेट किया जाता है, तो इस्लाम को टारगेट तो वो लोग कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का, बहलाने का और कट्टर बनाने का काम कर रहे हैं। और अभी जो जिस तरह से समाज में हमारे प्रदूषण फैल गया है, गंदगी आ गई है, चाहे वो मुस्लिम लड़कियों के जीवन को लेकर के हो, चाहे हमारे किसी भी तरह की समाज में अच्छी बातें हो रही हैं, तो लोगों को लग रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। किसी भी चीज को, बुरी कुप्रथा को बदलने की बात की जा रही है तो इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। कुप्रथा कहीं भी हो उसको बदला जाना चाहिए, रिवाज प्रथा होनी चाहिए, कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, जिसके नाम पर महिलाओं की आबरू से खेला जाए या फिर महिलाओं के भावनाओं का सम्मान ना किया जाए। अगर इस तरह की कुप्रथाएं रहेंगी तो इसको बदलने की जरूरत है। और इस्लाम में जो है वो कट्टरता बहुत बढ़ती जा रही है, हमारे जो समाज के मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो कट्टरपंथ को फैला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर तमाम तरह के जिहाद फैला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो समाज को, इस्लाम को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस्लाम को कमजोर करने का काम वो लोग नहीं कर रहे जो समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, जो समाज को, समाज से गंदगी को साफ कर रहे हैं, समाज से दूषण को हटा रहे हैं, दूषितता को हटा रहे हैं, पानी को साफ किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पानी को पीने लायक बनाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस्लाम को सर्वाइव करने लायक बनाया जा रहा है। अभी क्या है, इस्लाम के नाम पर हर जगह पूरी दुनिया में आप देख लीजिए किस तरह की गंदगी फैली हुई, किस तरह से लोग डर रहे हैं कि इस्लाम के मानने वाले, और चाइना जैसा देश जहां इस्लाम की बैंड बजा के रखा हुआ है, वहां पर तो लोग एक शब्द नहीं बोलते यहाँ इस्लाम को टारगेट है। और भारत जैसे देश में जहां पर हम लोग रह रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अपने अधिकारों के साथ, अपनी पूजा पद्धति के साथ, हर चीज के साथ आजादी से जी रहे हैं, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस्लाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इस्लाम को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से ये जो उलझुल बयान देकर के आप इस्लाम को गंदा बना रहे हैं, इस्लाम को सर्वाइव करने लायक नहीं बना रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस्लाम को कहीं ना कहीं, इस्लाम के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, अगर आप उस पर ईमानदारी से खुलकर नहीं बोलेंगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप वाकई में, आपकी सोच क्या है, आप क्या मानते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आते हैं पूरे धर्म की, उनकी ही सोच लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक अपने इंक्लिनेशन या महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी समाज पे भी आती है कि आपको भी खुलकर इन सारी चीजों पर आना होगा। नाज़रीन जी, एक सवाल ये है कि जब हम इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं तो रेडिकलाइजेशन पे जरूर बात होती है कि जो कट्टरवाद युवाओं को इन सारी चीजों के माध्यम से
हम होता हुआ देखते हैं, जैसे 72 गुरुओं की बात आ रही है, टेरर आउटफिट्स जो आतंकवादी संगठन है ग्लोबली, वो इन सारी चीजों का हवाला देकर गरीब मुसलमान युवाओं को इस्तेमाल करते आए हैं। और हम इन सारे अगर गुरुओं की बात करते हैं तो हदीसों में इसका जिक्र भी मिलता है। सवाल यह है कि अब तक इन सारी चीजों पर किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कोई काउंटर नैरेटिव हमने अभी तक नहीं देखा। क्योंकि वो खुद इस तरह की चीजों में संलिप्त है और वो नहीं चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। और आपने कहा कि गरीब तबके के और या फिर पढ़े लिखे जो नहीं, उनको उनके साथ साथ आप देखिए ना, जो पढ़े लिखे तबके हैं, चाहे वो लादेन की बात करें, चाहे हाफिज सईद की बात करें, ये लोग तो बड़े बहुत ही पढ़े लिखे मास्टर माइंड है, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि बहुत सोच समझ के टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने बना रखा है अपना पूरा एक 1x1 प्लान बना रखा हुआ है, जिसके बाद ये किस तरह से इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और अपनी इस्लाम को फैलाने के साथ साथ ही कट्टरता को फैलाएंगे। यहाँ इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे अमन के साथ चलने के लिए नहीं, अमन अमन की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो कट्टरता बंदूक की गोली पर इस्लाम, बंदूक की नोक पर इस्लाम को फैलाएंगे, इस तरह की सोच को लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह की सोच को लेकर के चलेंगे तो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इस्लाम को कहीं भी फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप कि इस तरह के विचार जो है, इनके जो इस तरह के विचार हैं वो समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे युवा हैं उनको, जो आने वाली समय को बदल सकते हैं, आने वाली दुनिया को बदल सकते हैं, अपने भारत देश के इतिहास को बदल सकते हैं, तो उनको ये मौका ही नहीं दिया जा रहा है। उनको एक ऐसा इतिहास बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग कलंकित इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ पर लोग प्रसिद्ध इतिहास नहीं पढ़ेंगे, कलंकित इतिहास पढ़ेंगे कि इतिहास का ये कलंक का इतिहास जो है कलंकित इतिहास होगा इस्लाम का इतिहास। तो इस्लाम के इतिहास को अगर सुधारना है तो इन सब लोगों को मुखर होकर के सामने आना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को काउंटर करिए कि आप इस तरह की चीज़ें इस्लाम में नहीं है। सिर्फ अपने धर्म की दुकान नहीं चलाइए या फिर सिर्फ अपने पॉलिटिकल आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां देकर के आप समाज को बदलने का काम नहीं कर सकते, आप समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। ये आपको मानना पड़ेगा और मानेंगे तभी चीजों को बदल पाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आप कलंकित इतिहास लेकर के आने वाली पीढ़ी आपको यही याद करेगी कि हमारा इस्लाम का इतिहास जो था वो कलंकित इतिहास था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सही चीजें हमें आगे ले जाने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां जो सही इतिहास है उसकी जानकारी रख सकें और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। जो हमने शुरुआत से बात की थी, जो अजमेर चिश्ती ने बात कही औरतों को चीज, आपको नहीं लगता जब हम महिलाओं के ऊपर बात करते हैं, अधिकारों पर बात करते हैं तो, या ट्रिपल तलाक है, इन सारे मुद्दों पर बहस होती थी तो तब हमेशा ये कहा जाता है कि इस्लाम में औरत का बड़ा मकाम है, औरत ये है वो है, लेकिन वो सो कॉल्ड मौलाना उनके मुंह से इस तरह की बात सुन के मैंने कोई खासा या जो रोष नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा मुस्लिम महिलाओं का या युवाओं का। आखिर ऐसे लोगों के जो अभद्र टिप्पणियां उनको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है और कब तक? सबसे पहली बात तो महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है, उनको लग रहा है कि जो मौलाना कह देते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हदीसों में लिखा है वही ठीक है, उसी को हमें मान के चलना चाहिए। वो अल्लाह की बनाई हुई कुरान को नहीं मानने की मानेंगे, ना ही उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ मुल्लाओं की बनाई हुई कुरान या उनकी कही हुई बातों को अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए महिलाएं भी जागरूक नहीं हो पा रही। वो जगह जगह पे इज्तिमा में जाती हैं, जगह जगह पर जो हर शुक्रवार को आप देखिए दरगाहों में, मस्जिदों में, तमाम जगह पर जिस तरह के बयान तकरीरें होती हैं उसको सुनने के बाद लोग अपने दिमाग को बदल ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं वही सही है, उसका हम अपोज करेंगे तो हम गुनहगार बन जाएंगे। आप गुनहगार नहीं बनेंगे, आप बल्कि उनका अपोज नहीं करके गुनहगार बन रहे हैं, क्योंकि वो जो गलत कह रहे हैं उसका कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए और विरोध होगा तभी समाज में बदलाव आएगा। तो ये मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी कमी है कि वो इस तरह की परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रही। उनको लग रहा है कि अगर हम इस तरह के परिवर्तन की बात करेंगे तो हम इस्लाम के गुनाहगार बनेंगे, अल्लाह के गुनाहगार बनेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगी तब आप इस जो है गुनाहगार बनेंगी, क्योंकि बुराई का खत्म करने के लिए बुराई पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, बुराई को सामने लाना बहुत जरूरी है। तो आपके आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं। और मैं पहले भी कहती हूँ कि इस्लाम में जो एक टैगलाइन दिया गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, उससे महिलाओं को बहुत वो उसी बात पर टिकी रहती हैं कि इसी से जो है इनको सारे अधिकार मिल जाते हैं। क्या अधिकार मिलते हैं आप बताइए ना, बच्चों को गोद देने का अधिकार है, ना ही तमाम संपत्ति में कोई बराबरी का अधिकार है, ना ही
किसी और चीज में, शादी में देख लीजिए, या ना ही वो तलाक देने का अधिकार रखती है, वो सिर्फ मांगने का अधिकार रखती है। तो यानी कि याचक बन के रहने का, याचिका बन के रहने का क्या मतलब है? इसलिए उनको जागरूक करना जरूरी है कि हम लोगों को, हम जैसे लोगों को भी समाज में आगे आना चाहिए कि इस तरह की महिलाओं को जागरूक किया जाए, और ये सही उनको बताया जाए कि अगर आप किसी बात का, किसी गलत चीज का विरोध नहीं कर रही है तब आप असली गुनाहगार होंगी, अगर आप विरोध नहीं करके सबसे बड़ी गुनाहगार बन रही है। ये जी बिल्कुल नाज़िम, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि मुस्लिम महिलाओं में जागरूकता की कमी नजर आती है, और यही वजह है कि सदियों से मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं और खुद ही शोषित होती हैं, और उसको और आगे पीढ़ी बढ़ाती रहती है। उनको पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे उनके अधिकारों का या उनका शोषण हो रहा है, और ये जो चेन है इसको तोड़ने की जरूरत है। और अवेयरनेस जो धर्म के नाम पर महिलाओं के अंदर इतना, उनको उनके अंदर सोच डाली जाती है कि आप सवाल नहीं कर सकते अपने अधिकारों की, इस्लाम के हवाले देकर उनको दबाने की कोशिश की जाती है, ये रुकना बहुत जरूरी है। नाज़रीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चर्चा में जुड़ी हैं और आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।